जय हिंद दोस्तों सो so, लास्ट हमने डिस्कस किया था ट्राइब्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में ऑल दो बहुत ही छोटा चैप्टर है बट एज uh, हम चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं तो अब हम उस uh, कड़ी को ब्रेक नहीं करेंगे सो so, चैप्टर वाइज चाहे कितना भी छोटा हो जैसे हमने हिस्ट्री में किया था विल we'll गो चैप्टर वाइज जिससे कि आपको हर एक चैप्टर का एक यू uh, नो you know, एक नील के साथ आप उसको खोल सको ठीक है एंड लास्ट के कुछ दो चार वीडियोस में थमने नहीं पड़ पाए हैं बिकॉज मैं उनको क्रिएट नहीं कर पाया एज़ पर ऑल दिस केयर्स आई वॉज गोइंग थ्रू सो आई विल डेफिनेटली पुट इट अपरी सुन एनी वेज बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द प्ले लिस्ट एंड आई होप आप विजिट कर रहे होंगे बट आपके लिए हिस्ट्री और इकोलॉजी की कम्प्लीट प्ले लिस्ट अवेलेबल है आप जाके बार बार उसको देख सकते हैं कम्प्लीटली पूरा का पूरा घटना चक्र उसमें रिवाइज़ किया हुआ है साथ ही जोग्राफी अभी हम आपके साथ कर ही रहे हैं डिस्कस और इसके साथ इकोनॉमिक्स का वीडियो भी आपके लिए आएगा और आई दृष्टि करंट अफेयर्स जो कि यू और बाकी जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वो भी हम आ, आज से सॉरी आज से नहीं रिवाइज कर ही रहे हैं पहले से तो वो भी हम कंटिन्यूसली चला रहे हैं ठीक है तो इतनी अभी आपके लिए पांच चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और जैसा कि मैंने बोला मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है देखिए आई आई डो नॉट नो द रीज़न कि क्यों नहीं कर रहे हैं अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी आप बोल सकते हैं दिस इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म कमेंट्स ओपन किया हुआ है अगर आपको कोई भी इसमें इशू लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो बताइए देखिए इम्प्रूवमेंट हो सकती है इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं बट अगर आप देख रहे हैं देख के जा रहे हैं बट उसके बाद भी आपकी लाइक नहीं आ रही है या सब्सक्राइब नहीं आ, कर रहे हैं आप लोग या शेयर नहीं कर रहे हैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो उसका रीज़न uh, नहीं समझ आ रहा है बिकॉज़ कुछ भी हो उसका एक रीज़न होता है उसके पीछे अगर uh, कुछ सजेशन्स हैं तो आप बता सकते हैं उसके बारे में ठीक है सो so, <coughs> मेरा बस इतना ही uh, कहना ही काम हो सकता है सो आई कुड से दिस एंड देखिए अभी तो हमने एक स्टैटिक सीरीज़ के साथ स्टार्ट किया था घटना चक्र बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप थे जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया uh, ये जो सीरीज़ स्टार्ट की तो इसलिए uh, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद घटना चक्र बिकॉज ये आपको हर एग्जाम में जितने भी अभी स्टेट एग्जाम्स लाइंड अप है उनको हर एग्जाम में आपके लिए ये फायदे फ़ायदा करेगा बट इसके अलावा हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे इनफैक्ट इन फ्यूचर हम यू पी एस सी के लिए भी पूरा का पूरा धीरे धीरे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड हम धीरे धीरे वो भी लेकर आएंगे बट देखिए उन सब चीज़ों के लिए आपका सपोर्ट चाहिए यहाँ मैंने आपको बताया कि आई एम ऑलरेडी इन सम स्टेट ऑफ ट्रेवलिंग और उसमें वीडियो बनाना उसमें मैंने जो कुछ वीडियोज़ बनाए वो क्रैश कर गए और आप इतना टाइम देते हो दो तीन घंटा आप इसमें से कहीं एक कॉर्नर में जाके आप बैठ के कर रहे हो बिकॉज़ वीडियो आप इन ओपन फील्ड तो नहीं बना सकते हो राइट right? तो वो भी आप कर रहे हो उसकी भी आप कोशिश कर रहे हो सारी चीज़ें और उसके बाद वीडियो क्रैश हो रहा है वो आपके तीन घंटे बर्बाद हो रहे हैं फिर आप कुछ और करते हो फिर से बनाते हो जस्ट बिकॉज कि आपके लिए डिले ना हो जैसे कल मैं किसी वजह से स्कड्यूल नहीं कर पाई थी इसीलिए मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही वो सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए थे छः वीडियोज़ आपके अपलोड हुए थे लास्ट लास्ट टू लास्ट डे तो वो इसीलिए मैंने कल का पहले ही अपलोड कर दिया था ठीक है अब इन सब एफर्ट्स के बाद अगर नहीं uh, कुछ रिटर्न आता है तो ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाता है किसी के लिए भी होगा आप भी अगर फ्यूचर में कल को कहीं भी कोई भी काम करेंगे आई वुड से कोई भी है ना नॉट ओनली दिस हुआ गया कुछ भी आप करेंगे तो डिसहार्टनिंग होता है जब आप पूरा मन लगा के करते हैं आपका अपना कोई उसमें यू you नो know, uh, कुछ बेनिफिट नहीं होता है अपने लिए आप अलग से मैं अपना पूरा टाइम जहाँ देना चाहिए वहाँ ना देके बिकॉज मेरी एक कमिटमेंट है आप सबके लिए हमारी एक छोटी सी फैमिली है उसके लिए मेरी कमिटमेंट है अब वो छोटी फैमिली आप छोटी ही रखना चाहते हैं या उसको बड़ा ग्रो करना चाहते हैं आप चाहते हैं फ्यूचर में और चीज़ें भी आगे आएँ तो सपोर्ट कीजिए सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना तो एकला रे बहुत ज़रूरी है एकला रे के लिए आई हैव स्टार्टेड आई एम रनिंग स्ट्रेट आई एम रनिंग ए लोन बट आप जिसके लिए किया जा रहा है उनका सपोर्ट तो चाहिए ना ठीक है सो चल तो अकेले ही रही हूँ बट अगर आप उसमें इस तरीके से अपने लाइक करके या आप, आप शेयर करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके ठीक है तो आप अगर सपोर्ट कर सकते हैं सो आई थिंक उसमें आपकी तरफ से कोई हार्म uh, नहीं होगा आपका कोई लॉस भी नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लाइक्स मुझे नहीं दिखते हैं कुछ भी कोई लाइक्स नहीं आते हैं ठीक और व्यूज़ भी अब बहुत कम हो रहे हैं तो इसका मतलब कि क्वालिटी में कुछ बदलाव आए होंगे इसीलिए आपको लग रहा होगा अगर वैसा कुछ है तो आप बताइए ठीक है तो जो भी है ओपन प्लेटफॉर्म है आप बता सकते हैं आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप बता सकते हैं <coughs> और ठीक है मैं बस इतना ही कह सकती थी बिकॉज़ फ्यूचर में मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं जो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होंगी लेकिन अगर इतना ही सपोर्ट मिला तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि मैं एक बुक को जो ऑलरेडी एक पब्लिश बुक है और उसको आपके लिए लेकर आ रही हूँ और फ्यूचर में जो और चीज़ें होंगी उसमें मेरी पर्सनल मेहनत भी लगी रहेगी अलग से यहाँ तो ठीक है मेरे लिए बुक अवेलेबल हो गई बट हाँ एक्स्ट्रा इसमें मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं दिया है पूरा का पूरा घटना चक्र के लिए है ये बट जहाँ पर होगा वहाँ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो दैट दैट वुड बी अ काइंड ऑफ डिस फैक्ट तो कोशिश कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका कोई लॉस नहीं है करने में तो प्लीज़ कोशिश कीजिए ठीक है एनी बहुत ज़्यादा बात हो गई इस बारे में बट uh, कभी कभी कहना जरूरी हो जाता है बिकॉज मैं देख रही हूँ एट दिस मोमेंट ऑल्सो बिकॉज आई नो आई एम सफरिंग थ्रू राइट नाउ एंड उसके बाद भी अगर इफ आई सी सच काइंड ऑफ यू नो थिंग्स तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है एनी वेज़ uh, मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं पूरा करूँगी ही बट लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लैंग्वेज़ज़ज़ज़ज़ज सो देखिए मैक्मम इसमें जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है बहुत ही कम है देख लेते हैं एक बार मैक्मम स्पोकन लैंग्वेज कंट्री की अगर हम देखें तो हिंदी है बांग्ला सेकेंड प्लेस पर आती है कंट्री में वर्ल्ड रैंकिंग में देखेंगे तो बांग्ला सिक्सथ प्लेस पर आती है स्पोकन बाई ऑलमोस्ट टू सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स फाइव मिलियन पीपल एथनलॉग ट्वेंटी ट्वेंटी वन का डेटा है यह वेलियस लैंग्वेज ऑफ द कंट्री कैन बी ग्रूप्ड इन टू द फॉलोइंग यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है एक तो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में क्या क्या आ जाती है मराठी संस्कृत पाली इंग्लिश प्राकृत अभ्रंश हिंदी बांग्ला गुजराती ठीक है मतलब कि जो आ, किसी भी मेन लैंग्वेज की जो आ, से से निकली हुई जो भाषा होती है द्रविडियन <coughs> लैंग्वेजेस में आ जाती है हमारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस मेनली तेलुगू तमिल मलयालम कन्नड़ गोंड उरांव बरबी ऑस्ट्रिल ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली इसमें इंक्लूड हो जाएंगी खासी संथाली मुंदरी भूमि और ये लैंग्वेजेस जो हैं आर मोस्टली स्पोकन बाय ट्रैवल पीपल ऑफ़ इंडिया ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हलबी हो एंड कुई पोर्टेन्स टू सो दीज आर द ट्राइबल लैंग्वेजेस हलवी हो कोई ये लैंग्वेजेस हैं ट्राइब्स की इससे पहले हमने ट्राइब्स ही पढ़े थे वहाँ भी ये ट्राइब्स के बारे में जिक्र हुआ था हल्वी लैंग्वेज मेनली बस्तर छत्तीसगढ़ वाले रीजन में बोली जाती है और इसके जो स्पीकर होते हैं वो कौन कौन सी ट्राइब्स होती हैं राजमुड़िया हलबा महार परजा लोरा एंड दे स्प्रेड फ्रॉम उड़ीसा टू महाराष्ट्र हो जो लैंग्वेज है इट इज़ लैंग्वेज ऑफ मुंडा फैमिली जो कि विच इज़ स्पोकन बाय द ट्राइब्स लाइक हो मुंडा कोई एट्सेट्रा इसका मेन एरिया है वेस्ट सेंगबम झारखंड वाइल द स्पीकर्स स्प्रेड फ्रॉम उड़ीसा टू महाराष्ट्र ठीक है तो हो जो लैंग्वेज है वो मुंडा फैमिली की है और इसके आ, हो मुंडा कोई वगैरह जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके द्वारा ये बोला जाता है मेन एरिया जहाँ ये रिजाइड करते है, वो हैं वो है वेस्ट सिंहभम झारखंड जबकि स्पीकर्स जो हैं वो उड़ीसा और महाराष्ट्र तक भी स्प्रेडिड है कोई इज द लैंग्वेज टू द ट्रिबिडियन फैमिली और ये कोई ट्राइब के द्वारा बोली जाती है मेनली कंदमल उड़ीसा नेक्स्ट मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन द इंडियन सब तो ये है बंगाली बंगाली इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द इंडियन सब आफ्टर हिंदी मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी अगेन सेम क्वेश्चन हो गया ये बंगाली 2011 के सेंसस के हिसाब से बंगाली एंड तेलुगु दे रिस्पेक्टिवली आर मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस आफ्टर हिंदी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014 ये दिया गया था उड़िया को सो उड़िया विकेम द सिक्स लैंग्वेज ऑफ द कंट्री टू गेट द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ऑन ट्वेंटी फेबरी टू थाउज़ेंड फोटीन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस वॉज गिवन टू तमिल इन टू थाउजेंड फोर संस्कृत दो टू थाउजेंड फाइव तेलुगू एंड कन्नड़ टू थाउजेंड एट मलयालम इन टू थाउजेंड थर्टीन एंड उड़िया इन टू थाउजेंड फोर्टीन तो छः लैंग्वेजेज़ हैं सबसे पहले तमिल को मिला था फिर संस्कृत को फिर तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ मिला था फिर मलयालम को दो हज़ार तेरह में और उड़िया को दो हज़ार चौदह में विच ऑफ़ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑस्ट्रिक ग्रुप से कौन से बिलोंग करती हैं सो दीज आर खासी लैंग्वेजेज फैमिली फैमिली वाइज ग्रुपिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज एंड टोटल पॉपुलेशन वॉज हु रिसीव द लैंग्वेज एज द मदर टंग इंडो यूरोपियन इसमें आती हैं एसमीज बंगली सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट सिक्स परसेंट ये लोग बोलते हैं इसको मतलब टू द टोटल परसेंटेज अगर हम देखें अब इंडो यूरोपियन में आती है पहली इंडो आर्यन ठीक है सो इंडो आर्यन में आप देखोगे भीली विष्णुपुरिया डोगरी गुजराती हलबी हिंदी कश्मीरी खंडेशी कोंकणी लहंडा मैथिली मराठी नेपाली उड़िया पंजाबी संस्कृत शीना एंड uh, सिंधी उर्दू ये इंडो आर्यन है right. और राइट और इरानियन लैंग्वेजेस में आप देखोगे तो अफ़गानी काबुली पश्तो पर्शियन ये अफ़ग़ानी में आते हैं अब देखिए ध्यान दीजिएगा जो कश्मीरी लैंग्वेज है या जो हलबी लैंग्वेज है ये हलबी ऑलरेडी एक्चुअली तो नहीं है बिकॉज ये ट्राइबल लैंग्वेज है बट इसका नाम जो ऐसा लगता है कि ये मे बी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो इसके नाम से बट ये क्या है इंडो आर्यन है साथ ही साथ कश्मीरी भी इंडो आर्यन में ही आती है ईरानियन में नहीं आती है ठीक है वी कुड गेट कन्फ्यूज विद इट सो अफ़गानी काबुली पश्तो पर्शियन ये ईरानियन में आते हैं पॉइंट जीरो ज़ीरो टू टू दैन नेक्स्ट इज़ यूरोपियन यूरोपियन में आती है इंग्लिश पॉइंट जीरो टू परसेंट लोग बोलते हैं फिर सेकेंड जो ग्रुप आता है वो द्रविड़ियन ग्रुप आता है द्रविडियन में आती है आपकी कुर्गी कोडागू गोंडी जटायु कन्नड़ खोंड किसान कोलमी कोंडा कोया कोई कुरुख उरांव मलयालम माल्टो परजी परजी तमिल तेलुगु तुलू ये सब आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक में आते हैं थर्ड ग्रुप इज ऑस्ट्रो एशियाटिक्स जो इसमें भूमिज गडबा हो जुआंग खारिया खासी कोडा कोरा कोरकू कोरवा मुंडा मुंदरी निकोबारीज ये जो निकोबारीज है संथाली है सावरा है ये पूछे जा सकते हैं मेनली पूछे जा सकते हैं ऐसा मुझे लगता है क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं जो थोड़ा सा ऑफ बीट चीज़ें हैं ठीक है तो ये ऑस्ट्रो एशियाटिक के हैं तिब्बतो बर्मीज की बात करेंगे तो आदि गुडा गुदा मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आ जाएगा अंगामी आओ बाल्टी भोटिया बहुत सारे हैं इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे सो <laughs> so, ये वन परसेंट लोग बोल रहे हैं ठीक है तो ये आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा मतलब ये देखिए जैसे लेपचा हमने पढ़ा था ये सब लिंबू ये उधर है आपका सिक्किम एरिया में तो जहाँ जहाँ जो ट्राइब्स हैं हमने ट्राइब्स पढ़ लिया ऑलरेडी तो वहाँ से भी इसको कर सकते हैं मिशमी ये ज़्यादातर जो है ये तिब्बतो बर्मीज़ मतलब कि आपके नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वो ट्राइ वो जो लैंग्वेजेस हैं इसमें आ जाएंगे फिर सेमिटो हेमेटिक सेमिटोहेमेटिक में आती है अरेबिक ठीक है तो अरेबिक जनरली स्पोकन लैंग्वेज के तौर पे इंडिया में बहुत कम बोली जाती है ऑल दो द रिलीजन द इस्लाम रिलीजन में जो टेक्स्ट होते हैं वो अरेबिक में होते हैं तो उस फॉर्म में ज़्यादा बोला जा सकता है बट एन द स्पोकन लैंग्वेज के फॉर्म में बहुत ही कम एरियाज़ में यह बोली जाती है पॉइंट जीरो वन परसेंट इसका परसेंटेज है नेक्स्ट देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये है इंडो आर्यन इंडो आर्यन ग्रुप जो हमने अभी यहां देखा ये ठीक है नेक्स्ट लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इज इंडो आर्यन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्राइजेस ऑफ ऑल द प्रिंसिपल इंक्लूडिंग हिंदी बंगाली गुजराती मराठी पंजाबी सिंधी राजस्थानी एसमीज उड़िया कश्मीरी उर्दू संस्कृत आई एम फीलिंग कि मैं किसी होटल की वेटर हूँ एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द यू नो द मेन्यू ना गोभी आलू भिंडी सो जो टंग है वो उसी तरीके से ट्विस्ट हो रही है हिंदी बंगाली गुजराती मराठी ऑल राइट सो इट इज़ रिलेटेड टू सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट सेवन परसेंट ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन नेक्स्ट कंसीडर द मैप अब आप मैप देख लो इस मैप में आपको बताना है द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन द एरियाज मार्क्ड ए बी सी डी ठीक है तो ये जो मैप है ये इसमें जो ए एरिया है ठीक है वो है ब्रिजभाषा का फिर बी एरिया जो है वो है भोजपुरी का अब इस तरह के अब क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं तो इतना नहीं बट फिर भी आपको एक मैपिंग जैसा मैंने बोला था आप हमेशा अपने पास रखिए तो ये इसके फायदे होते हैं सी जो एरिया है वो है मैथिली और डी एरिया है अवधि ठीक है सो इन द एरिया मार्क ए बी सी डी ए इज भाषा इन द एरिया बी अवधि स्पोकन इन द एरिया सी भोजपुरी स्पोकन इन द एरिया डी मैथिली इज स्पोकन विच इज़ द एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी हिंदी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है तो वो है बेंगाली अकॉर्डिंग टू एथेनोलॉग ट्वेंटी ट्वेंटी वन बेंगाली इंडियन लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी अमंग द गि ऑप्शन देर आर टोटल टू सिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स फाइव मिलियन यूज द बेंगाली लैंग्वेज ग्लोबली ठीक है तो ये हो गए हमारे लैंग्वेजेज का चैप्टर नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो ड्रेनेज का होगा और इसको दो पार्ट्स में ड्रेनेज सिस्टम रहेगा गंगा ड्रेनेज सिस्टम एंड देन ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम ठीक है सो वील स्टार्ट विद दैट और एक एक ड्रेनेज सिस्टम एम ए के वीडियो में कम्प्लीट करेंगे ऑल राइट right. सो so छोटा चैप्टर था बहुत छोटा था बट स्टिल आप इसको रिवाइज़ कीजिए क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा स्टैटिक चीज़ें आप रिवाइज कीजिए कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनका एक छह ही लैंग्वेजेस ज़्यादा नहीं है तो उनके बारे में एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने पास रखिए एंड कीप लर्निंग एवरी टाइम मैप को साथ में रखिए मैप के बिना जोग्राफी अधूरी होती है ठीक है तो मैप साथ में रखिए कीप लर्निंग कीप रिवाइजिंग कीप स्टार्टिंग जय हिंद जय भारत